नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर राजीव शर्मा, जो डायरेक्टर हेल्थ है। राजीव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। वेल, ये COVID-19 एक मरतबा फिर दस्तक दे रहा है और ये चिंता का विषय बना हुआ है। और मुझे लगता है कि कोई नई SOP आपकी डायरेक्टरेट की तरफ से तैयार की गई है, कोई डायरेक्शंस, कोई गाइडलाइंस। जी, सबसे पहले आपकी श्रोताओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जी, एंड सबको नमस्ते। सर, जैसे आपने पूछा कि जो कोविड का नया वेरिएंट है, जो भी दस्तक दे रहा है, जैसे आपने बोला जी, सो थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। JN.1 जो वेरिएंट इस वक्त डिटेक्ट हुआ है, जी, तो सबसे पहले ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, आई थिंक सितंबर में पहली बार डिटेक्ट हुआ ये वेरिएंट। ये वेरिएंट भी नहीं, इसको हम कहते हैं, इसको सब वेरिएंट कहते हैं, यानी वेरिएंट का भी छोटा भाई एक किस्म का। यानी कि इसकी इतनी सीवियरिटी नहीं है जैसे कि पहले जो हमारे पास पहले डेल्टा वायरसेस जो इसी के वेरिएंट से, ओमिक्रॉन के वेरिएंट से, वो ज़्यादा डेंजरस है, जिनकी वजह से डेथ्स भी बहुत हुई और काफ़ी इन्फेक्शंस हुई थी। अभी तक उसके कई सीक्वली देखे जा रहे हैं जी। सो इतना इसका ज़्यादा अभी सीवियरिटी नहीं है इस वेरिएंट की। अगर आप इंडिया की बात करें तो आज की डेट में, जैसे आज की सुबह की जो आज 8 बजे का जो बुलेटिन है, उसमें फ्रेश केसेस 774 हैं और कल के दिन में 2 डेथ्स हुई हैं। सो टोटल जो हमारा अभी तक इसका लोड है, जो इस कोविड का, इस वक्त जब से स्टार्ट हुआ है, इट्स अराउंड 4000, यानी कि 4000 कुछ केसेस पॉजिटिव हैं। एग्जैक्टली मैं आपको बता सकता हूँ, 4187 केसेस जो पॉजिटिव हैं कोविड के इस वक्त। JNK की अगर बात करेंगे तो इस वक्त हमारी स्टेट में सिर्फ 9 केसेस पॉजिटिव हैं, इसमें से 6 पॉजिटिव मीन्स एक्टिव जो हैं इस वक्त जी। तो 6 केसेस जो हैं ये कश्मीर डिवीज़न में है और 3 केसेस हमारे जम्मू डिवीज़न में है। एंड 9 के 9 केसेस होम में आइसोलेटेड हैं। इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट सीवियर जी, माइल्ड सी इन्फेक्शंस हैं, गले में दर्द, खांसी, फटीग, कान यानी के, और पूरे जैसे में दर्दे मामूली जैसे वायरल सिम्टम्स होते हैं जी। तो कश्मीर में लास्ट टाइम भी हमने देखा था, कश्मीर में ज़्यादा केसेस आते हैं, उसकी वजह क्या है? वहाँ विंटर ज़्यादा है, ये कारण है कि कुछ और वजह भी है? 2-3 वजह हैं सर उसकी, जो पिछली बार देखी गई। इस बार तो खैर वैसा ट्रेंड नहीं पाया गया, बट लास्ट टाइम ये जो देखा गया था, एक तो विंटर्स की वजह से, दूसरा हडलिंग जिसको हम कहते हैं कि सर्दी में लोग इकट्ठे बैठना शुरू करो, वैसे ही कश्मीरियों में ये काफ़ी ज़्यादा होता है जी। हम लोगों में भी है चीज़, लेकिन उधर ज़्यादा है कि एक साथ इकट्ठे बैठना है, और ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैलता है एक दूसरे के कंटैक्ट से जी। तो एक वही वजह थी। और वहाँ पर ट्रैवलर्स की बड़ी ज़्यादा तादाद है, यानी कि बाहर से लोग काफ़ी आते हैं कश्मीर में टूरिस्ट, तो एक रीज़न वो भी था कि ज़्यादा केसेस वहाँ देखे गए जी। डॉक्टर राजीव, लास्ट टाइम जब 2019 की बात करेंगे, जब कोविड पीक पे था, तब हमें ऑक्सीजन की कमी आई थी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण भी अब ऐसी स्थिति नहीं है मुझे लगता है। मैं आई कैन अश्योर यू, इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इस वक्त अबाउट 40+ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है सर जम्मू डिवीज़न में, आप जी बता सकता हूँ। और हमारी कैपेसिटी हद से ज़्यादा है, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है, इवन कोविड के टाइम के लिए भी हम काफ़ी ज़्यादा इस बार रेडी हैं, इनफैक्ट फॉर ऑक्सीजन के लिहाज से हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स काफ़ी मात्रा में, हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं ऑक्सीजन, वो तो तकरीबन हमारे हर सेंटर, सब सेंटर लेवल तक पहुंचे हुए हैं। तो इस बार ही हमें कोई इस ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। बेसिकली जैसे आपने सही कहा कि इस बीमारी में ज़्यादा खतरा होता था जब ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाने शुरू हुए थे, तो शुरू शुरू में हमारे पास नहीं थी इतनी फैसिलिटीज, बट वी आर रेडी जी। अब आपको लगता है कि 2019 ने जो हमें सिखाया, उससे हमने कुछ सीखा है और हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, किसी भी एपिडेमिक के लिए हम तैयार हैं? बिल्कुल सीखा सर इस बार। इनफैक्ट सेंटर की गाइडलाइंस के हिसाब से जो हमने अपना कुछ रन्स किए हैं, यानी कि ऑडिट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसनट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, तो हमने इस चीज़ की हमने तैयारी करके रखी है, इनके हमने फंक्शनैलिटी ले ली है हर सेंटर से, तो वी आर रेडी। इनफैक्ट अगर कोई ऐसी सर्ज आती है कोविड की, तो हमारी तैयारी है। वेंटिलेटर, व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ वेंटिलेटर? वेंटिलेटर इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, हमारे काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, बट
मतलब कि इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी वेंटिलेटर्स इशू हुए थे लास्ट कोविड में जी, तो और सफिशिएंट नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं जी। जो सुना था कि कुछ वेंटिलेटर्स ख़राब भी आए हैं, वो उनको रिपेयर नहीं करवाया जा सका है, इज इट राइट? नहीं, रिपेयर तो हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं जी, बट वही यूटिलाइजेशन का था, दिक्कत रहती है कभी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और क्या लगता है आपको कि क्या हिदायतें इस वक्त लोगों को बरतनी चाहिए? एक तो विंटर भी है और दूसरे साथ साथ में लोग मास्क भी वेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इधर लेह में, लद्दाख में मैंडेटरी कर दिया गया मास्क, अभी ऐसी पोजीशन नहीं है जम्मू में सबसे पहले। हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले तो आई वुड आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है अभी जी, नथिंग टू पैनिक। और ये जो इस वायरस है, इसका दो किस्म के हम कहते हैं इनको, कैटेगराइज करते हैं कि वायरस ऑफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जिसको हम क्लोजली वॉच करते हैं, सो ये जो JN.1 है दिस इज़ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे इंडिया में इस वक्त तकरीबन 600 कुछ केसेस हैं जो JN.1 पॉजिटिव हैं, एंड वो भी माइल्ड हैं। 98% केसेज हमारे होम आइसोलेटेड हैं इस वेरियंट के भी। सो अगेन मैं डाटा में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। हाँ, एहतियात आप जितना कर सकते हैं करें, अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, और बेटर रहेगा कि अगर आप मास्क यूज़ करें और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करें, जैसे पहली वेव्स ने हमें सिखाया है और बहुत अच्छा सिखाया कि क्या क्या हमें करना चाहिए अपनी हाइजीन के लिए। तो आई थिंक वो चीज़ें अभी भी फॉलो करने की ज़रूरत है। आपने सिचुएशन को असेस किया होगा जी, क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है 2019 जैसी जब पीक पर था? अदरवाइज हमें तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना। हम प्रिपेयर्ड हैं, बट फिलहाल जितना भी अभी तक देखा गया ट्रेंड, जैसे अभी आप कहें कि पिछले एक महीने में हार्डली 9 या 10 केसेस हमारे पास हुए हैं, डिस्पाइट टेस्टिंग हमारे कोई डेली के तकरीबन 500 टेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज वो भी हमारे उस गाइडलाइन से हो रहे हैं, सेंटर की गाइडलाइंस के, कि जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं विथ टू इन्फेक्शन, ILIM जिसको कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, और एक केसेस होते हैं सारी के सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन दोनों को हमने सिर्फ टेस्ट करने हैं, इन दोनों के पेशेंट्स को अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वो करके हमारे को 500-600 टेस्ट डेली हो रहे हैं। तो उसमें से भी आप इमेजिन करें, अभी तक हमारे पूरी स्टेट यूटी में से अबाउट 9 केसेस पॉजिटिव हैं। सो जम्मू में तो 3 केसेस हैं, सो नथिंग टू वरी फिलहाल 3 इस पिछले एक महीने में। बट ये कि गार्ड ज़रूर रखना है, कि हमें एहतियात ज़रूर रखनी है, वी शुड नॉट बी कि बिल्कुल ही मस्त हो जाए इस मसले में, हमें गार्ड रखनी है। प्लस दूसरा मैं थोड़ा सा एक आप बात पूछी तो मैं एक और चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये जो कई लोग पूछते हैं जो पहली वैक्सीन्स जो हुई हैं वैक्सीनेशन, हाँ यस यस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बूस्टर डोज लग जैसे लोगों में अफवाही हम कहते हैं, जैसे हमारी CDC की गाइडलाइंस हुई हैं, इशू हुई हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो पहली की वैक्सीन्स जो हैं दे आर यूजफुल इन दिस वेरियंट ऑल्सो JN.1 में, राइट? बूस्टर्स अगर ज़रूरत होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर डिसाइड करती हैं तो बूस्टर्स भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट नहीं। दूसरा, जो इसमें कोई अलग किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट। थर्ड इज़ कि इसकी सिवेरिटी इस वक्त कम है, हालांकि स्प्रेड तेज़ी से हो सकती है, उसको जिसको 2-3 होती हैं विरुलेंस जिसको कहते हैं, कि तेज़ी से स्प्रेड कर सकता है वायरस, बट इसके जो सिम्टम्स हैं वो इतने गंभीर नहीं हैं, इतने सीवियर नहीं है, जैसे कि डेल्टा वायरस में देखा गया दोनों के दोनों लंग्स में निमोनिया हो जाता था, डेथ्स हुई हैं तकरीबन 4,000 डेथ्स हमारे स्टेट में ही हो गई जी। तो एडमिशन्स हमारे, आपको पता ही होगा, आप तो डील करते रहे जी, इतना पैनिक था, यानी कि हॉस्पिटल्स में लोग बाहर बैठ के तड़पते थे, अब वैसा सीन इस वक्त नहीं है, बट अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। डॉक्टर अजीब, ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैलता है, ये तो आप जानते ही हैं, देखिए कोई अब्रॉड से आ रहा है वो लेके आ रहा है, कोई दिल्ली से मेट्रो सिटी से जम्मू कश्मीर में आ रहा है वो लेके आ रहा है, बड़ा बड़ा तेज़ी से फैलता है। वैसी स्थितियाँ ना बने जो पहले हमने झेली हुई है, जैसे हमने अपने को अपने हाथों में खोते हुए देखा हुआ जी, बड़ा करीब से मैंने बहुत सारे अपने
रिलेटिव कहें, फ्रेंड्स कहें, जिनको जाते हुए देखा हुआ है, ऐसी स्थिति ना बने। अभी से हमारे पास एक अवसर है, मौका है कि उस पर नियंत्रण पाया जाए। क्या सुझाव देंगे आप लोगों को? सुझाव में अगेन मैं वैसे जैसे मैंने पहले कहा, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप समझ पाएंगे कि पैनिक की वजह से बहुत ज़्यादा एक किस्म का नेगेटिव मैसेजेस भी जाते हैं लोगों में डर एक किस्म का आ जाता है। तो सबसे अगेन आई वुड स्ट्रेस कि पैनिक नहीं होना है इस चीज़ में। दूसरा, कोशिश करें जितना भी आप अपनी पर्सनल उसको रख सकते हैं, एहतियात रख सकते हैं, यानी कि अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं या सिनेमा थिएटर में जा रहे हैं या शादियाँ जा रहे हैं, सो ट्राई टू कीप सम डिस्टेंस। थोड़ा सा जैसे पहले की एहतियात थी हमारी 6 गज की दूरी का, और मास्क अभी तो इवन सेंटर से जो हमें गाइडलाइंस आई हैं उसमें भी हमें इतना स्ट्रेस नहीं डाला गया मास्क के लिए, लेकिन इतना बोला गया कि जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो मास्क यूज़ करें। जी, यानी एक हेल्थ वर्कर का रोल एक मरतबा फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया जैसे जैसे हालात। ऑफकोर्स। डॉक्टर, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में समन्वय और तालमेल की आवश्यकता है। जी बहुत। क्यों? उसकी वजह पता ये है कि आपके पास आपका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो पेशेंट आता है आप उसको कोशिश करते हैं कि रेफर करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। वो एक रेफरल सिस्टम कहीं ना कहीं एक प्रेशर डेवलप करता है मेडिकल कॉलेजेस पर। आपने विनोद जी बहुत सही कहा, लाइक ये चीज़ पहले बहुत हो रही थी, इनफैक्ट अभी भी हो रही है, बट अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ऑफ जेएनके ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट किया गया है, एचआर का भी कुछ देखा गया, सो और रेफरल्स को गंभीरता से लिया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि जितने ज़्यादा कम रेफरल्स हों उतना अच्छा रहेगा, एंड आई एम हैप्पी ऑल्सो एंड कि रेफरल्स पहले से कम हो रहे हैं। जी, बट अगेन ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें और बड़े फैक्टर्स होते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हम सीधे मेडिकल कॉलेज में जाएं। जैसे आपने आम देखा भी होगा, गांधीनगर हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो एक किस्म का उसको फेथ इतना नहीं होता है उस वक्त, ही थिंक्स कि जी ठीक है, चलो यहाँ थोड़ा सा प्राइमरी इलाज करा के हम लोग चले जाएंगे मेडिकल कॉलेज में। एक वो एटीट्यूड भी है लोगों में, वो भी हमें कम करना है। दूसरा, फैसिलिटीज़ बूस्ट करने की काफ़ी ज़रूरत है, और वो भी है। डॉक्टर अजीब, कैसे किया जा सकता है कि रेफरल को कल्टेल किया जाए, रेफरल के कारण लिखे जाए उस पर्ची पर हम क्यों रेफर कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, हम यहाँ से रेफर करवाते हैं ना पीजीआई में, सपोज हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं किसी को रेफर करवाने, वो कारण बताते हैं कि यहाँ पेट स्कैन नहीं है या ये फैसिलिटीज़ नहीं है। ऐसा आप भी इसको एक सिस्टमेटिकली वे में बना दें, एक सेट पैटर्न तैयार कर दें, ताकि कोई डॉक्टर रेफर करता है एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए क्यों रेफर किया है। दैट्स अ गुड सजेशन, ऐसा हो भी रहा है जी, बट जैसे कि मैंने कहा कि इतना ज़्यादा जो फैसिलिटीज अभी जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हैं उस लिहाज से अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाए हैं। जैसे अमूमन हमें जो रेफर करने पड़ते हैं केसेस, कार्डियक केसेस, तो हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा नहीं हैं, एंड इसलिए हमें रेफर भी करने पड़ते हैं केसेस। स्ट्रोक के केसेस हैं, हेड इंजरी के केसेस, सीवियर इंजरीज, तो वो लोगों को रेफर करना भी पड़ता है विद रीजन। क्या डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इस पर रेफरल पर भी एक डिस्कशन होनी चाहिए अपने डॉक्टर्स के साथ मिल करके कि वाई, कि हल्की दर्द भी होगी क्योंकि रात का टाइम होगा, सोचते हैं कि रिस्क क्यों लेना है, इनको भेज दो वहाँ पर? नहीं, वो भी है, एक फैक्टर होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, पहले था, अभी इसको कम हुआ है, काफ़ी फ़र्क भी पड़ रहा है इसमें। एंड जैसे आप कह रहे हैं कि इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, हमारी मीटिंग्स में काफ़ी बार ये डिस्कस भी होता है, जब भी हम लोग सेक्रेटरीज के साथ बैठते हैं या अभी चीफ सेक्रेटरी नए आए हैं शायद ये लोग भी इसका रिव्यू लेंगे। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑलवेज। डॉक्टर साहब, इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आज दिन हम देखते हैं कि कॉमन मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंट डॉक्टर्स के बीच में स्कफल होता रहता है, वो एक अच्छी बात नहीं है। उसका कारण ये भी माना जाता है कि प्रेशर ज़्यादा रहता है, और प्रेशर के बहुत सारे कारण आपने खुद भी बताए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, रेफरल पर कोई ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जी, अब कोशिश तो हो रही है, लाइक जैसे फिर से मैं वही बताऊँगा, फैसिलिटीज़ को बूस्ट किया जा रहा है हमारे पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस को, कोशिश की जा रही है कि जितना कम हो पाए रेफरल्स,
हमारे पास स्पेशलिस्ट की कुछ जगह पर शॉर्टेजेस भी हैं, दैट इज़ अनदर रीज़न। पेरिफेरी में हमारे पास कई जगह कुछ शॉर्टेजेस नहीं, नॉट ओनली जम्मू लाइक कश्मीर में भी, बट कश्मीर इज़ बेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ HR। वहाँ पर HR ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर कुछ शॉर्टेजेस हैं। हमारे पेरिफेरी में काफ़ी दिक्कत आती है कुछ डॉक्टर्स की, यानी कि स्पेशलिस्ट की नहीं होने की वजह से, दैट इज़ वन रीज़न। तो गवर्नमेंट उस पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही है एंड हम लोग गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फिल अप दोज पोस्ट। डॉक्टर जी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक पेशेंट और पॉपुलेशन या डॉक्टर और पॉपुलेशन जो रेशो होनी चाहिए या पैरामेडिकल का, उस पर हम पूरा हैं कि अभी भी मैन पावर की कमी है? पेरिफेरी में तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में देयर इज डेफिनेटली कम लोग हैं। मेडिकल कॉलेजेस का मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये तो दूसरा आ गया, बट हमारे फील्ड में है कमी। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी थोड़ा सा जिक्र किया था कि ट्रस्ट डिफिसिट है। ट्रस्ट डिफिसिट इस लिहाज से कि मैं अभी आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, किसी का फ्रैक्चर होता है ना, वो रश करता है अमृतसर में, हालांकि यहाँ पे हमारा फुल फ्लेज बोन एंड जॉइंट बन चुका है, लेकिन वो ट्रस्ट डिफिसिट बन चुका है। वैसे आप जैसे कह रहे हैं कि आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई आता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आता है, वो प्रेफर करते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जाए। सब नहीं जो लाइक अफोर्ड कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से निकले। तो ये वही ट्रस्ट कैसे बनाना है सवाल में हमें सब आपके रहते हैं, हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इतना ट्रस्ट बन जाए, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, इसमें आपका भी बहुत रोल है। जी, हम तो कोशिश करते रहते हैं, हम भी कर रहे हैं कुछ, आई नो हमारा बहुत बड़ा रोल है। जो अभी फील्ड में जैसे अब हर डिस्ट्रिक्ट में PRI मेंबर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि लोग इनकी सुनते हैं, ठीक है ना। सो इट हैज़ टू बी ए कम्बाइंड एफर्ट, यू नहीं ये नहीं कि मैं अपनी जगह लगा रहा हूँ आप अपनी जगह करते रहें। सो एक किसी फोरम पर, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, PRIs का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। और PRIs का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, होता है। अगर PRIs चेक करता है कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ लेट आ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि ये इंटरफेरेंस कर रहा है। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि हेल्थ सेक्टर के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। बिल्कुल जी, आपने सही कहा विनोद जी, बट अगेन वही है कि इट हैज़ टू बी ए कम्बाइंड एफर्ट, सब मिलजुल के अगर होगा। और ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, और ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट हो रही है। हमें भी शायद अभी इतना नहीं पता चल रहा होगा, बट डेफिनेटली पोस्ट एप्रोप्रिएशन जो इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है ऐसा लाइक बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो गया है, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी अच्छी मिल रही हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस तो पता ही है आपको, इतने बन गए हैं, जेम्स तो हो गए हैं। इवन फील्ड में हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं अगर आप थोड़ा डिटेल चाहते हैं मैं बता भी देता हूँ। जी जी, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जेरियाट्रिक केयर सेंटर्स बने हुए हैं। जी ठीक है, 60 साल से ऊपर जिनको, अच्छा वी आर ट्राइंग कि हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हमने बेसिक सेटअप कर लिया है पेलिएटिव केयर के लिए। गांधीनगर में अच्छा चल रहा है, बट हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया है। स्टाफ की अगेन दिक्कत है, ठीक है, जेरियाट्रिक केयर हैं, कीमोथेरेपी के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि जो लोग कैंसर के लोग इधर आते हैं उनको उधर ही कोई वो अगर हो जाए। डायलिसिस हमारे हर सेंटर में, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस सेंटर्स हैं, दे आर डूइंग वेल। जी कैन अगेन, दिस इज़ वन ऑफ द एरिया जो हम लोग अच्छा कर रहे हैं पेरिफेरी में, जिसकी वजह से यहाँ लोड भी कम हो रहा है। तो ऐसी इनिशिएटिव्स काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, जिससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने की वो भी रही है, और कुछ एक दो साल में शायद लगना भी पता लोगों को दिखे भी। डॉक्टर जी, डायलिसिस को लेकर के आपको तो मार्क्स रिजल्ट नहीं आ रहे हैं कि एक्सपर्टीज की कमी है, मुझे लगता है कि स्टाफ पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं है। अब मेडिकल कॉलेजेस का मैं नहीं बोलूँगा, बट जैसे डिस्ट्रिक्ट में आप पूछेंगे, जैसे हमारे पास हर जगह वी हैव अ फैसिलिटी डायलिसिस की, और 4 से 6 बेड्स की हर डिस्ट्रिक्ट में है। ट्रेंड जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रेंड स्पेसिफिकली फॉर डायलिसिस, वो हम लोगों ने अपने कुछ फार्मासिस्ट को ट्रेन किया होता है, और एक जो फिजिशियन होता है वो सुपरवाइज करता है इसको। जी ठीक है, बट हम लोग अच्छा कर रहे हैं डिस्पाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो ट्रेन डेडिकेटेड फुली डेडिकेटेड फॉर डायलिसिस वैसे हर जगह नहीं है,
लेकिन जो है हमारे पास वो अच्छा कर आई कैन एश्योर यू दिस। डॉक्टर जी, कार्डियक अरेस्ट एक बड़ा कारण होता है और उसमें जगह थोड़ी सी रहती है, स्पैन थोड़ा सा होता है। मुझे लगता है कि हर एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर है कार्डियोलॉजिस्ट होने चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट वो मेरे हाथ में नहीं है, बट आई कैन एश्योर यू एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपस में नहीं होती, लेकिन हम जो चाहते हैं एटलीस्ट हम बोल तो सकते हैं, हम भी चाहते हैं। लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग कि हमारे पास हमने हर डिस्ट्रिक्ट में अगेन 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में हमने एमरजेंसी रूम्स इस्टेब्लिश किए हैं, ईआर हम बोलते हैं उनको जी। उसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट को, जैसे आपने हार्ट अटैक की बात की, हमने हर डिस्ट्रिक्ट को कुछ मेडिसिन दी हुई हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेसिस को बोलते हैं, ताकि वो जो गोल्डन आवर होता है पेशेंट का, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमने बहुत ज़्यादा लाइफ बचाई इस मसले में। यानी कि कोई हार्ट अटैक का पेशेंट अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचता है विद इन दैट आवर, 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो इंजेक्शन के साथ बच जाता है, बचता इन द सेंस कि उसको वहाँ से स्टेबल करके हम लोग फिर यहाँ में 2-4 घंटे के लिए सर्वाइवल हो सकता है, ज़्यादा कहीं तो बच भी जाते हैं, लेकिन फिर कईयों को फिर भी हम भेज देते हैं यहाँ पर। सो मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कितने लिए हमने सेफ, लेकिन आई एम हैप्पीली टेलिंग यू कि काफ़ी लोग हमने इससे बचाए। एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट्स नहीं रहते हैं आपको, तभी सर्जरी को लिंक ऑन करना पड़ता है। एनेस्थीसिया इज़ ए इशू, रेडियोलॉजिस्ट का इशू है हमारे पास जी। तो हम लोग फिर भी डिस्पाइट ऑल दैट हम लोग चला रहे हैं जी, तो चल रहा है। लेकिन आपके रहते चलाना वर्ड इस्तेमाल ठीक नहीं, आपसे उम्मीद करते हैं आपसे कि आप आएंगे तो थोड़ा सा रिफॉर्म्स लाएंगे इसमें। थैंक यू सर, कोशिश तो बहुत की है हमने जी, देखते हैं कैसे रिजल्ट। जो फैसिलिटीज 102-108 है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? 108 से आई एम सेटिस्फाइड जी, लेकिन फिर अगेन लोगों की तरफ से नहीं इतना होता कि बिकॉज पर्सन लोग सोचते हैं कि जैसे हम फ़ोन करें तो आधे घंटे के अंदर, जो उनको टाइम होता है जी, खासकर पेरिफ्री में। मुझे हमेशा इसी का पेरिफ्री का ही रहता है कि रास्ते ऐसे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कई बार ये लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाते। अदरवाइज इट्स अ वेरी नोबल सर्विस, अच्छा काम कर रहे हैं। इक्का दुक्का केसेस ऐसे भी हैं जहाँ लोगों ने किया होगा कुछ, बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन फैक्टर आ जाता है बीच में, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद 108 सर्विसेज जी। डॉक्टर जी, क्या और आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए? क्योंकि गुंजाइश हर जगह रहती है, गुंजाइश बहुत है, गुंजाइश काफ़ी है, लेकिन सिर्फ लोगों का, जैसे आपने पहले कहा कि फेथ लाने के लिए वापस जी, मतलब कि फेथ, बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि हम लोग यहीं बैठ के अपने सिस्टम देखते रहते हैं ना, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर स्टेट्स, जो हमारा स्टेट रन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, अगर आप दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेयर करेंगे, यू विल बी सरप्राइज कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं दिस इज़ नॉट लाइक, ये इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप, बट दिस इज़ अ फैक्ट कि काफ़ी सारी स्टेट्स से हमारा कोविड में इतना अच्छा कवरेज रहा है, हमारा मोर्टेलिटी रेट नेशनल एवरेज से कम है, हमारा आई कैन गो ऑन काउंटिंग एवरीथिंग जी, हमारी वैक्सीनेशन सबसे अच्छी हुई है यहाँ पर जी। सो अदर फैसिलिटीज़ जो हमारी है, उसके अगर आप बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो हमारा अच्छा है, बट स्टिल देर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जी, डू यू फील एनी चेंज आफ्टर 5th of August 2019 के बाद हेल्थ सेक्टर में, बाकी छोड़िए किस लिहाज से आप पूछना चाहते हैं? हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हुआ है? हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हुआ है जी, मैंने पहले भी आपको बताया, हेल्थ सेक्टर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, एचआर के लिहाज से, विच यू कैन सी, इतने मेडिकल कॉलेजेस, 2 मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल अलग से बना है जी, 5 new medical colleges, सो दिस इज, दीज आर साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट जी, और प्रॉपरली लोकेटेड हॉस्पिटल्स हैं ये, और लोगों को सर्विस भी दे रहे हैं। डॉक्टर जी, प्राइवेट प्लेयर इतने ज़्यादा यहाँ पर है नहीं, उसकी वजह ये भी थी 370 और 35 ये था, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि बदलाव आएगा, अगर प्राइवेट प्लेयर एक्टिव हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर और इम्प्रूव हो जाएगा, फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, एंड और लोग आना भी शुरू हो रहे हैं,
जी आप जैसे आप तो डील करते हैं न्यूज़ के साथ, आपको पता ही होगा पीपल आर कमिंग एंड दे आर शोइंग इंटरेस्ट ऑल्सो इसमें अपना इन्वेस्ट करने के लिए हेल्थ में, और शायद दो तीन सालों में कुछ और इम्प्रूवमेंट दिखे हमको। आप जेनरिक मेडिसिन को लेकर कैसे देखते हैं, क्या डॉक्टर्स को लिखनी चाहिए जेनरिक मेडिसिन लिखनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है सर। एंड एक गलत फहमी ये थी लोगों में कि जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं दे आर नॉट गुड, बट आई कैन अश्योर यू अगेन आपको मैं पब्लिकली जैसे आपके माध्यम से बता रहा हूँ, जो हमारा जन औषधि केंद्र में जो मेडिसिन अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करें, दे आर वेरी गुड। मैं आपको टीवी में बता रहा हूँ कि दे आर वेरी गुड। अगेन ट्रस्ट डेफिशिएट है, हम लोग आम बंदे जैसे, हो सकता है मैं आपको नहीं पिन पॉइंट करना चाहता बट हो सकता है आप भी शायद नहीं लेते होंगे, तो अभी शुरू किए मैंने। आप शुरू करें, आप अच्छे आप भरोसे के साथ लें, सच कह रहा हूँ मैं मेरे को हाइपरटेंशन है काफ़ी सालों से, मैं जन औषधि केंद्र की दवाई ले रहा हूँ विदाउट एनी वो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दे आर सूटिंग मी वेरी वेल। दूसरा उसका ये है कि दे आर वेरी चीप। अब कई लोगों की ये भी मेंटेलिटी होती है कि यार ये सस्ती दवाई तो ऐसी नहीं, असर ही नहीं करेगी, कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है इस पर, सिप्ला नहीं लिखा हुआ है, तो पीपल हैव दिस एटीट्यूड, तो वो नहीं लेते हैं। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट हमारा एक सरवाल हॉस्पिटल में एक जन औषधि केंद्र जो मेरे टाइम से एस्टैब्लिश किया था हमने, सो इट इज़ उसकी सेल इस वक्त 10 लाख से ऊपर है पर मंथ, राइट, विच इज़ ए वेरी बिग थिंग। और हम ट्राई कर रहे हैं कि सारे जितने भी जन औषधि केंद्र हमारे अच्छी तरह काम करें लोग, और फ़र्क आ रहा है सर, लोगों लोग खरीद रहे हैं चीज़ें, लेकिन जो दूसरे प्लेयर हैं वो तो चाहते होंगे ये बंद हो जाए, वो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स अ बिग थिंग, तो लेकिन फ़र्क पड़ रहा है, लोग आ रहे हैं इसकी तरफ आ रहे हैं ऐसा ऐसा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट ऑल पीपल जो भी मेरे को सुन रहे हैं या सुनेंगे कि प्लीज़ प्लीज़ बाय दिस मेडिसिन, दे आर वेरी गुड मेडिसिन, आप को कोई इसमें डाउट नहीं रखें, अगर फिर भी आपको लगता है एटलीस्ट 15-20 दिन महीना एक ट्राई करें, यू विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू डॉक्टर राजीव, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, जो बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।